हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के भाग 5 से। हम यहाँ पर बच्चों इन दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, बाएं पक्ष को। बाएं पक्ष हमारा है कोस ए घटा साइन ए जमा एक बटे कोस ए जमा साइन ए घटा एक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में कोसिकेंट ए जमा कोट ए सिद्ध करना है। अब यहाँ पर अगर हम मान लो कोस को भाग दे दें साइन ए से, कोस ए को भाग करें साइन ए से, तो हमारे पास आएगा कोट ए, और एक को भाग करेंगे साइन ए से तो आएगा कोसिकेंट ए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर और नीचे साइन ए से भाग कर देते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा कोस ए घटा साइन ए जमा एक भाग साइन ए। नीचे हमारे पास है कोस ए जमा साइन ए घटा एक भाग साइन ए। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक्स जमा वाई बटे दो इस तरह हो, तो उसको हम ये लिख देते हैं अलग अलग करके, एक्स बटा दो जमा वाई बटा दो। तो यहाँ पर वही करेंगे, अलग अलग करेंगे इसको, कोस ए बटे साइन ए घटा साइन ए बटे साइन ए जमा एक बटे साइन ए। नीचे हो जाएगा कोस ए इसी प्रकार बटे साइन ए जमा साइन ए बटे साइन ए घटा एक बटे साइन ए। हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए कोट ए घटा साइन ए बटे साइन ए एक जमा एक बटा साइन ए कोसिकेंट ए बटे कोस ए बटे साइन ए कोट ए जमा साइन ए बटे साइन ए एक घटा एक बटा साइन ए कोसिकेंट ए, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम, कोट ए प्लस या जमा कोसिकेंट ए घटा एक बटे कोट ए घटा कोसिकेंट ए जमा एक। अब हमने एक सूत्र किया था पीछे, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए बराबर होता है एक के। कोसिकेंट ए का वर्ग घटा कोट ए का वर्ग बराबर होता है एक के। तो यहाँ पर हम एक की जगह ये मान रख देंगे, कोट ए जमा कोसिकेंट ए घटा, एक की जगह ये मान रखेंगे हम, कोसिकेंट ए का वर्ग घटा कोट ए का वर्ग, ये हमारे पास आ जाएगा बटे कोट ए घटा कोसिकेंट ए जमा एक, ये बराबर होगा कोट ए जमा कोसिकेंट ए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सूत्र है ए स्क्वेयर घटा बी स्क्वेयर, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग होता है ए जमा बी गुणा ए घटा बी। अब ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, ए हमारा हो जाएगा कोसिकेंट ए, बी हो जाएगा कोट ए, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये अंदर आएगा ए जमा बी कोसिकेंट ए जमा कोट ए
गुणा ए घटा बी, कोशिकेंट ए घटा कोटे ये आ जाएगा, ए जमा बी ए घटा बी, ए स्क्वेयर घटा बी स्क्वेयर का सूत्र लगा दिया हमने यहाँ पर, बटे नीचे हमारे पास था कोट ए घटा कोशिकेंट ए जमा एक। अब ऊपर देखिए कोशिकेंट ए जमा कोट ए ऊपर आ जाएगा कॉमन, इसके अंदर भी है यहाँ पर भी है और अंदर भी है कोशिकेंट ए जमा कोट ए, तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे हम कोशिकेंट ए जमा कोटे, ऊपर ऊपर हमने कॉमन ले लिया कोशिकेंट ए जमा कोटे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, कोटे जमा कोशिकेंटे या कोशिकेंटे जमा कोटे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया हमारे पास एक घटा अंदर, यहाँ पर कोशिकेंटे जमा कोटे बाहर कॉमन ले लिया हमने, अंदर हमारे पास बचेगा कोशिकेंट ए घटा कोटे, कोशिकेंट ए घटा कोट ए, हमने सिर्फ क्या किया है बाहर कॉमन लिया है कोट ए जमा कोशिकेंट ए बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक और यहाँ बच जाएगा कोशिकेंट ए घटा कोटे, बटे नीचे है कोट ए घटा कोशिकेंट ए जमा एक, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, यहाँ पर हमारे पास है कोशिकेंट ए जमा कोट ए, अंदर आएगा एक घटा, बाहर ब्रैकेट से घटा है तो ये प्लस हो जाएगा जमा हो जाएगा, कोशिकेंट ए जमा कोट ए बटे कोट ए घटा कोशिकेंट ए जमा एक। देखो बच्चों यहाँ से एक घटा कोशिकेंट ए जमा कोटे, यहाँ पर भी हमारे पास है एक घटा कोशिकेंट ए कोटे, ये और ये दोनों क्या हैं सेम एक जैसे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यहाँ से ये से हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा ऊपर कोशिकेंट ए जमा कोट ए, और ये हमारी थी राइट हैंड साइड या दायां पक्ष, तो यहाँ से हमारे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, दोनों तरफ में ऊपर या नीचे हमने साइन ए से भाग कर दिया, इस पूरे को भाग किया साइन ए से, इसको भाग किया साइन ए से, यहाँ पर इनको हमने अलग अलग कर दिया, कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कोटे, साइन बटे साइन ए एक, और एक बटा साइन हो जाएगा कोसिकेंट, इसी प्रकार नीचे कोस ए बटे साइन ए कोटे, एक बटा साइन ए कोसिकेंटे और साइन ए बटे साइन ए एक हो जाएगा। अब हमने इस एक की जगह रख दिया कोसिकेंट ए का वर्ग घटा कोटे का वर्ग, क्योंकि हमारे पास सूत्र है कोसिकेंट ए का वर्ग घटा कोट ए का वर्ग होता है एक के बराबर, तो हमने एक की जगह ये मान रख दिया। अब ऊपर सूत्र बन जाएगा ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, ए जमा बी ए घटा बी, इसको अलग अलग करके लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर हमने बार कॉमन ले लिया कोशिकेंट ए जमा कोटे, यहाँ पर बच जाएगा एक, अंदर बचेगा कोशिकेंट ए घटा कोटे। अब ऊपर की ये जो ब्रैकेट के अंदर जो राशि है ये वाली और नीचे वाली दोनों क्या हैं एक जैसी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बच जाएगा कोशिकेंटे जमा कोटे, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। छठा पार्ट है एक जमा साइन ए बटे एक घटा साइन ए वर्गमूल बराबर सिकेंटे जमा टेंजेंटे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, एक जमा साइन ए बटे एक घटा साइन ए वर्गमूल, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि वर्गमूल वाली जो राशि होती है उसका हम हर का प्रीमेकण करते हैं, तो यहाँ पर भी हम हर का क्या करेंगे प्रीमेकण, जो नीचे जो हर के अंदर जो राशि है उसका निशान बदल जाएगा, उससे ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे,
ऊपर और नीचे एक जमा साइन ए से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये होता हर का प्रीमेकरण, आप पीछे कर चुके हैं ये बराबर। अब ऊपर हमारे पास है एक जमा साइन ए गुणा एक जमा साइन ए, तो एक जमा साइन ए का वर्ग, दो बार है तो वर्ग हो जाएगा। नीचे है एक हटा बी और ए जमा बी का सूत्र, एक हटा साइन ए और एक जमा साइन ए, तो ए जमा बी और ए घटा बी, वो हमारे पास होता है ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, तो ए का वर्ग घटा बी है यहाँ पर साइन ए इसका वर्ग। यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है ए घटा बी गुणा ए जमा बी बराबर ए का वर्ग घटा बी का वर्ग। ये हो जाएगा हमारे पास एक जमा साइन ए का वर्ग बटे। अब यहाँ पर एक का वर्ग हो जाएगा एक घटा साइन ए का वर्ग, एक जमा साइन ए ऊपर हमारे पास है इसका वर्ग बटे एक घटा साइन ए का वर्ग, ये हो जाएगा कोस ए का वर्ग। क्यों? क्योंकि साइन ए का वर्ग जमा कोस ए का वर्ग बराबर होता है एक, तो यहाँ से हमारे पास एक घटा साइन ए का वर्ग बराबर हो जाएगा कोस ए का वर्ग। इसको अलग अलग कर लेंगे, एक जमा साइन ए वर्ग इसका वर्गमूल बटे कोस ए का वर्ग वर्गमूल, हमने दोनों को अलग अलग वर्गमूल में रख लिया। यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, एक जमा साइन ए नीचे आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा कोस ए। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, एक जमा साइन ए के बटे में है भाग में है कोस ए, तो यहाँ पर एक के भी भाग में कोसे है और साइन ए के भाग में भी कोसे है, इनको अलग अलग लिख लेंगे, एक बटा कोसे जमा साइन ए बटा कोसे। देखो आपने पीछे पढ़ा होगा कि अगर एक्स जमा वाई बटे दो है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बटा दो जमा वाई बटा दो, तो वहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हमने यही किया है। एक बटा कोस ए होता है सिकेंट ए जमा साइन ए बटा कोस ए टेंजेंट ए, और यही हमारा है राइट हैंड साइड में दायां पक्ष। सातवां पार्ट करते हैं, साइन थीटा घटा दो साइन थीटा का घन बटे दो कोस थीटा का घन घटा कोस थीटा बराबर होगा टेंजेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, साइन थीटा घटा दो साइन थीटा का घन बटे दो कोस थीटा घन घटा कोस थीटा, ऊपर कॉमन लेंगे साइन थीटा, अंदर आएगा एक, यहाँ बच जाएगा एक घटा, यहाँ बचेगा दो साइन थीटा का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर था साइन थीटा का घन, एक हमने बाहर ले लिया यहाँ पर घात दो बज जाएगी बटे, नीचे कॉमन लेंगे कोस थीटा, यहाँ पर बचेगा दो कोस थीटा का वर्ग, क्योंकि घात तीन थी एक हमने बाहर ले ली तो दो बज जाएंगी घटा कोस थीटा था, कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया एक बचेगा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा। अब हमें इनको ख़त्म करना है यहाँ से, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में लेके आना है टेंजेंट थीटा, अभी साथ में हमारे पास ये भी है। ऊपर एक को हम लिख लेंगे साइन स्क्वेयर थीटा जमा कोस स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा का वर्ग जमा कोस थीटा का वर्ग घटा दो साइन थीटा का वर्ग बटे दो कोस थीटा का वर्ग
घटा एक को फिर लिखेंगे हम वही साइन थीटा का वर्ग जमा कोस थीटा का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि साइन स्क्वेयर थीटा जमा कोस स्क्वेयर थीटा बराबर होता है एक, जो सूत्र लगाया हमने यहाँ पर। टेंजेंट थीटा ऊपर हमारे पास है कोस थीटा का वर्ग, उसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर है साइन थीटा का वर्ग दो बार, यहाँ पर है साइन थीटा का वर्ग एक बार, घट जाएगा बचेगा घटा का एक साइन थीटा वर्ग। नीचे यहाँ पर इसको हम खोलेंगे, देखिए हमारे पास है ये नीचे है दो कोस थीटा का वर्ग घटा, बाहर घटा अंदर का निशान बदल जाएगा, साइन थीटा का वर्ग घटा कोस थीटा का वर्ग ये हो जाएगा नीचे हमारे पास। अब यहाँ पर कोस थीटा का वर्ग दो बार है, घटा में कोस थीटा का वर्ग एक बार, तो एक बचेगा हमारे पास एक, एक कोस थीटा का वर्ग एक बार बच जाएगा घटा साइन थीटा का वर्ग। अब देखिए ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, कट जाएंगे ये बच जाएगा टेंजेंट थीटा गुणा कटेगा यहाँ पर एक आएगा, टेंजेंट थीटा गुणा एक टेंजेंट थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड।